उत्तराखंड में जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। चुनाव में उतरने के लिए कई दावेदार भी कमर कसे हुए हैं। वहीं असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। विधायक अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कितने खरे उतरे हैं, इसकी धरातल पर पड़ताल करने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम ने हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर जन सर्वेक्षण किया। हम जनता के हवाले से प्रत्येक क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं लोहाघाट विधानसभा की। इस सीट से विधायक भारतीय जनता पार्टी से पूरन सिंह फर्तियाल हैं। उत्तराखंड के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। चंपावत जिले में स्थित यह निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित है। अगर दबदबे की बात करें तो दोनों ही प्रमुख दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की समान रूप से इस क्षेत्र पर पकड़ रही है। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महेंद्र सिंह मेहरा लोहाघाट के विधायक रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पूरन सिंह फर्तियाल ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह मेहरा को मात दी। फर्तियाल को 30,429 वोट मिले, जबकि मेहरा 18,894 वोट ही ले पाए। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के बीच मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से टिकट खुशाल सिंह को मिला। कांग्रेस पार्टी 26,320 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूरन सिंह फर्तियाल इस चुनाव में 26,468 वोटों के साथ जीत गए। मतदाता आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,13,567 थी। विकास के दावों की हकीकत, पूरन सिंह फर्तियाल तेज तरार विधायकों में गिने जाते हैं। विवादों के साथ उनका हमेशा नाता रहा है, लेकिन क्षेत्र में जनता के साथ उनका संवाद बेहतरीन है। 10 सालों से विधायक फर्तियाल ने क्षेत्र में विकास की कई योजनाओं को धरातल पर उतारा, चाहे सड़कों का निर्माण या शिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण, विधायक उसमें अग्रणी रहे। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, बस अड्डे का निर्माण, पेयजल की समस्या का निवारण और साफ सफाई की सुविधा सुधारने का वादा किया था। जनता उनके प्रयासों से संतुष्ट दिख रही है। लोगों का कहना है कि विधायक निरंतर इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं। पेयजल समस्या में भी सुधार के लिए झील के निर्माण का आश्वासन विधायक ने जनता को दिया है। क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, बस अड्डे का निर्माण, जगह जगह फैली गंदगी, शिक्षा और अस्पतालों में कोई भी सुधार नहीं, पेयजल की समस्या, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक पूरन सिंह फर्तियाल के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। जनसंपर्क करते हैं, जनता के बीच में आते हैं, एक कहीं पर भी सभा होती है या अपने कार्यकर्ताओं से मिलन करते हैं और समाज में आम जनता से मिलने के विषय में मैं अगर कहूँ तो कोई कार्यक्रम के बीच में ही मिलते हैं, वैसे तो कभी मिलना मुझे नहीं लगता कि होता होगा। क्षेत्र को दिया उन्होंने सर, जैसे हमारे यहाँ आजकल फील्ड बन रहा है, फील्ड भी बनाया उन्होंने, ITI का काम करवाया, बहुत टाइम से बिल्डिंग रुकी हुई थी उसकी समस्या सुलझाई, और भी ऐसे रोडें दिए सर गाँव के लिए, सारी क्या मतलब अपना उन्होंने जो भी था मंदिरों के लिए सर। सर समर्थन रखेगी या नहीं ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, लेकिन अभी की जो बात है माननीय विधायक जी से बहुत से लोगों की नाराजगी है और क्षेत्र की जनता इस बार चाहती है कि कहीं न कहीं बदलाव चाहती है। और जैसे 2012 से हमारे पूरन सिंह फर्तियाल जी विधायक हैं यहाँ पे, उसके बावजूद 2012 के बाद उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा। पार्टी का तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हमारे क्षेत्र में कुछ जनसंपर्क हुआ है और अभी तक हम उनसे मिले भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं है कि अभी हमारे यहाँ से विधायक का कोई कैंडिडेट है या नहीं भी आम आदमी पार्टी का। विकास कार्य बहुत हो चुका है, पानी का हो गया, अभी देखो पंपिंग योजना आ रखी है पार्टी में और बारकोट ब्लॉक रेगड़ू में, जहाँ पानी का बहुत अभाव था इस बार इन्होंने पंपिंग योजना शुरू करा रखी है, बहुत जल्द वो शुरू होने वाली है। 10 साल से लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फर्तियाल को इस बार एंटी इनकम पेंसी झेलनी पड़ सकती है।
फर्तियाल भले ही सक्रिय है लेकिन क्षेत्र में विकास की रफ्तार से लोगों में असंतोष है। हालांकि क्षेत्र के विकास के लिए फर्तियाल की हमेशा अफसरों से नोकझोंक होती रहती है। एक सड़क निर्माण के लिए अफसर को थप्पड़ तक मारने का आरोप उन पर है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था जिसके कारण उनको पार्टी से बताओ नोटिस तक मिला। फर्तियाल का कहना है कि वे जनता की आवाज उठाते हैं जिसके चलते वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनके इस जुझारूपन से क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता भी काफी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस क्षेत्र में बेहद सक्रिय है। मोदी लहर में भी फर्तियाल मामूली अंतर से जीत पाए थे। ऐसे में आगामी चुनाव में विधायक को कांटे की टक्कर मिलेगी। लोहाघाट विधानसभा जनसर्वेक्षण के आधार पर विधायक पूरन सिंह फर्तियाल का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। लगातार जनता के बीच रहने की वजह से उन्हें लोकप्रियता पर एक ग्रेड दिया जाता है। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से बनता है। जन लोकप्रियता ए, जन विकास कार्य बी, जन संवाद बी, जन नेतृत्व बी, ओवरऑल ग्रेड बी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर।